जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी के चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि देश किसको कहते हैं, राष्ट्र किसको कहते हैं, राज्य किसको कहते हैं, भारत में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और दुनिया में किस तरह की शासन प्रणाली है, तो उसको हम लोग समझते हैं। ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप ये समझिए कि देश क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंट्री। यह एक प्रकार का भौगोलिक इकाई है, भूगोल के द्वारा उसका सीमा बद्ध होता है तो उसको कहते हैं कंट्री। दूसरा है राष्ट्र। राष्ट्र एक प्रकार का सांस्कृतिक इकाई होता है, कल्चरल यूनिट होता है यह, इसको आप समझ गए। तीसरा है राज्य। देखिए इसमें बड़ा विवाद है। राज्य एक प्रकार का राजनैतिक इकाई को कहते हैं, लेकिन राज्य के परिभाषा को लेकर बड़ा विवाद होता है। क्या बिहार को या उत्तर प्रदेश को राज्य कहेंगे? तो जी हाँ, उसको भी तो अंग्रेजी में स्टेट ही कहा जाता है। लेकिन क्या भारत को भी राज्य कहेंगे? क्या चीन को भी एक राज्य कहेंगे? तो जी हाँ, इसको भी राज्य कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश ही होता है, और राज्य को थोड़ा अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया है उसको जरा एक बार हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में ये जो राज्य है वह पोलिस शब्द से लिया गया है। पोलिस शब्द यूनान भाषा का शब्द है, उसी से राज्य बना हुआ है। यूनान जानते हैं कि यूरोप में है, बड़ा संपन्न था वह। दूसरी बात देखिए कि राज्य को होने के लिए चार चीज होनी चाहिए उसके अंदर में। क्या क्या होना चाहिए? एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसके पास एक डिफिनिट टेरिटरी होनी चाहिए, तभी वह राज्य कहलाएगा। दूसरा है कि उसमें जनसंख्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ जनसंख्या तो होनी ही चाहिए। तीसरी बात है कि संप्रभुता, किसी भी राज्य को होने के लिए उसमें संप्रभुता भी होना चाहिए। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है या संप्रभु राज्य है, तो भारत संप्रभु क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत न किसी देश पे निर्भर है और न ही किसी दूसरे देश का यह डोमिनियन स्टेट है, न किसी दूसरे देश का डोमिनियन है, इसीलिए भारत को संप्रभु है। भारत के ऊपर किसी भी दूसरे देश का दबाव नहीं है, किसी भी दूसरे देश का ये नहीं कह सकता है कि हम जो कहते हैं आप वही करें। भारत पूर्णतः स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने में, जैसे भारत किसी भी देश के साथ किसी भी तरह का संधि कर सकता है। साथ ही साथ भारत अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे भी सकता है या कुछ किसी दूसरे देश के क्षेत्र को ले भी सकता है, क्योंकि भारत पूर्णतः स्वतंत्र है, इसीलिए इसको कहते हैं संप्रभुता, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा है शासन या सरकार, यानी कि राज्य होने के लिए वहाँ किसी न किसी एक व्यवस्था को होना जरूरी है, कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था होना चाहिए उसके पास, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। उस देश के नागरिकों के सर्वोत्तम कल्याण करने के लिए एक व्यवस्था होती है, तो उसी को कहते हैं शासन या सरकार। पूरे दुनिया में तरह तरह के शासन व्यवस्था है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, 193 तो मान्यता प्राप्त ही है, और भी कुछ देश है छोटे छोटे, तो इसके बारे में तो पढ़ेंगे। लेकिन अब ये जान लीजिए कि भारत के संविधान में राज्य किसको कहा गया है। ये तो पॉलिटिकल साइंस से समझ गए, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य किसको कहा है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 के अंदर जो भाग 3 में आता है, राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या कहा गया है उसमें? भारत सरकार को राज्य कहेंगे, उसमें ये है। संसद को भी राज्य कहा गया है, राज्य सरकार को राज्य कहा गया है, विधानमंडल को राज्य कहा गया है, स्थानीय प्राधिकरण को राज्य कहा गया है, और अन्य प्राधिकारी को भी राज्य कहा गया है। तो ये तो आप राज्य समझ गए, लेकिन हमारा अभी का मतलब है राजनीतिक विज्ञान से। तो अब आप ये समझिए कि शासन या जो सरकार होती है वह कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि राजतंत्र कहाँ है, तानाशाही कहाँ है, साम्यवाद कहाँ है, गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। पूरी दुनिया में शासन या सरकार के कई रूप देखने को मिलते हैं, उसमें से कुछ रूप है जैसे राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणराज्य या लोकतंत्र। अब इसका अंतर आप समझ लीजिए क्या होता है और इसकी विशेषता क्या है। राजतंत्र में देश का प्रधान या शासन का प्रधान वहाँ का राजा या रानी हो सकती है, वंशानुगत रूप से वहाँ चुने नहीं जाते हैं देश के प्रमुख का, और वहाँ पे जनता का थोड़ा कम ही अधिकार होता है, क्योंकि उस तरह से चुने नहीं जाते हैं तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी नहीं रहेंगे जनता के प्रति। आज भी यह व्यवस्था यूके में चल रहा है और अरब के कुछ देशों में, प्राचीन काल में भारत में भी चल रहा था, मुगल काल भी एक प्रकार का राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही था।
तो इसको आप समझ गए। अब तानाशाही देखिए, तानाशाही क्या होता है? तानाशाही होता है जहाँ के सैनिक जो होते हैं वहाँ के चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं और अपने सत्ता में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, तो वह देश के प्रमुख या सत्ता के प्रमुख खुद ही हो जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को तानाशाही कहते हैं। यह व्यवस्था आज भी कहीं कहीं देशों में वर्तमान में है। उत्तर कोरिया में कहा जाता है कि किम जोंग उन जो है वह एक तानाशाह है, और इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे जगहों पे अलग अलग तानाशाह रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में 1998-99 में नवाज शरीफ के सरकार को बर्खास्त करके ये जो मुशर्रफ है उसने सैनिक शासन स्थापित कर दिया था। अभी हाल फिलहाल में म्यांमार में भी सैनिक तख्ता पलट हुआ है। उसी तरह से आप देखेंगे सीरिया में बशर अल असद का सरकार था, मिस्र में होस्नी मुबारक का सरकार था, लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी का सरकार था। इसी तरह से सरकार ट्यूनिशिया में तो क्रांति हो गया, फल विक्रेता अपने शरीर पर आग लगा करके वो उसने अपने आप को जला लिया था, तो इससे क्रांति पैदा हो गई। पूरे अरब मुल्कों में एक क्रांति हो गई थी कि डिक्टेटर को हम नहीं चाहते, इसको हटाओ, लोकतंत्र स्थापित करो। तो इस तरह से होता रहा है। तानाशाही का अंत बड़ा दर्दनाक होता है। साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद का मतलब है ये जो कम्युनिज्म है इसमें कुछ लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। ये साम्यवाद जो होते हैं ना, यह मुख्यतः केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को कहते हैं। इसमें समानता को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता पे उसको नीचा कर दिया जाता है, और समानता सुनिश्चित करना एकदम इसका मेन उद्देश्य होता है। इसीलिए इस व्यवस्था में सब कुछ केंद्रीकृत कर दिया जाता है, सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। तो यह व्यवस्था आज दुनिया में आप देखेंगे कि चीन में या पोलैंड में यह चल रहा है, लेकिन अपने असली रूप में साम्यवाद आज भी नहीं है। यह देखता है, इतिहास को देखता है कि यह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। दुनिया में हमेशा संघर्ष होते रहे, एक शोषित और एक शोषक का वर्ग हमेशा रहा है, तो ये इस चीज़ को मान के चलता है। तो पहले भी रूस में ये चल रहा था, रूस को USSR कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको कहा जाता है। आज तो यह टूट गया है, 15 देश बन गए हैं अलग अलग, तो वो टूट गया, तो आज यह व्यवस्था है नहीं वहाँ, तो धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ बढ़ गया। अब गणराज्य देखिए, रिपब्लिक क्या होता है? देखिए रिपब्लिक होने के लिए उसमें दो तीन चीज़ होनी एकदम आवश्यक है। तो गणराज्य किसको कहेंगे? जहाँ के देश का प्रधान का चुनाव होता हो, देश के जो प्रमुख होते हैं उसका चुनाव होता है। दूसरा क्या है? भारत को कहते हैं गणराज्य है, तो यहाँ देश के जो प्रमुख है, देश के प्रमुख किसको कहेंगे? राष्ट्रपति को, और शासन के प्रमुख किसको कहेंगे? प्रधानमंत्री को। तो हमारे देश में जो देश के प्रमुख है उसका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। साथ ही आप जानते हैं कि गणराज्य होने के लिए किसी भी देश को उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे राजनैतिक संप्रभुता मिला हुआ है जनता को, है ना, जनता को मिला हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है जिसको कुछ विशेष अधिकार मिला हो, ऐसा कोई नहीं है। तो इसी तरह से भारत जो है वह गणराज्य है। दूसरी बात है कि लोकतंत्र, लोकतंत्र में शासक प्रमुख का चुनाव होता है, वह चुनाव भारत में प्रत्यक्ष रूप से होता है। आप जानते हैं कि संसद को हम लोग चुनते हैं और संसद में भेजते हैं कानून बनाने के लिए, और वह कानून बनाते हैं, फिर कार्यपालिका में भी होते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र में और गणराज्य में अंतर है। भारत जो है वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के संविधान के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि भारत के लोग जो है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसको तो आप समझ गए हैं, अब आप क्या करिए कि लोकतंत्र को थोड़ा ठीक ढंग से समझ जाइए। भारत लोकतंत्र की जननी स्थल रहा है, और ये जो लोकतंत्र है इसको अगर परिभाषित किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। तो लोकतंत्र को ऐसे मोटा मोटी दो वर्गों में बांटा गया है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, इसको कहा जाता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। और साथ ही साथ भारत को कहा जाता है कि यहाँ पे संसदात्मक लोकतंत्र है और समाजवादी लोकतंत्र है, तो उसको हम समझेंगे। पहले ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। डायरेक्ट
डेमोक्रेसी क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, जनता जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन नहीं करती है, अपने चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा कानून नहीं बनाती है, बल्कि वह खुद ही कानून बनाती है। अपने यहाँ वह क्या करती है कि एक एक साल के लिए अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चुनती है और उसके द्वारा वह शासन करती है। उसके पास भी कुछ हथियार होते हैं। क्या क्या हथियार होते हैं? जैसे प्रत्यावर्तन, रिकॉल करने का। अगर किसी को चुन करके उन्होंने भेजा है तो उसको वह कभी भी वापस बुला सकता है। दूसरी है जनमत संग्रह। जो भी कानून वहाँ पास करवाए जाते हैं उसके विधानमंडल के द्वारा, उस पर जनमत संग्रह करवाया जाता है, जनता का व्यू लिया जाता है कि इसको लागू करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए। साथ ही साथ परिप्रेक्ष्य और पहल भी उसके हथियार है। देखिए, डायरेक्ट जो लोकतंत्र होते हैं वो छोटे देशों के लिए ठीक है जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम है। तो स्विट्जरलैंड में इस तरह की व्यवस्था चल रही है। दुनिया के अधिकांश देश इस व्यवस्था को नहीं अपनाए हुए हैं, इसको छोड़ चुके हैं। ज़्यादातर देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाए हुए हैं। इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है कि इसमें जनता जो है डायरेक्ट शासन नहीं करके अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से करती है। जैसे भारत में चुनाव होता है सांसद का और विधायक का, और जिस सांसद को चुन के भेजते हैं वो संसद में जाता है और वहां पे वो कानून बनाता है और कार्यपालिका के कानून बना करके कार्यपालिका के माध्यम से उसको लागू भी करता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो प्रकार का शासन व्यवस्था आपको मिलेगा। एक है अध्यक्षात्मक और दूसरा है संसदीय। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें औपचारिक और वास्तविक प्रधान होते हैं, नहीं होते हैं। इसमें औपचारिक और वास्तविक दोनों एक ही व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति। और संसदीय शासन प्रणाली में औपचारिक और एक वास्तविक अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे भारत का उदाहरण ले ले तो औपचारिक प्रधान भारत में राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रधान जो होता है शासन के प्रमुख वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को जनता चुनती है संसद के माध्यम से, वो चुनाव करती है, जबकि राष्ट्रपति को भी चुना जाता है। उनको भी, उनका भी जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका भी चुनाव होता है। तो भारत में इस तरह की व्यवस्था है। संसदीय प्रणाली को पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहते हैं और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कहते हैं। तो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वो USA में चलता है। साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ चल रहा है? ब्राज़ील में चल रहा है, ये रसिया में चल रहा है, रूस में, ये श्रीलंका में चल रहा है, वहाँ चल रहा है। भारत में जो चल रहा है, जैसे ब्रिटेन में भी चल रहा है और भारत में भी चल रहा है। तो भारत जो है ना वह मुख्यतः ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली को ही अपनाया है, लेकिन भारत के संसदीय प्रणाली में और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में अंतर है। ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली है वहाँ के जो देश के प्रधान होते हैं, वहाँ के राजा होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं, जबकि भारत में चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो ये दोनों में अंतर भी है। साथ ही साथ ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली है उसमें संसद को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया हुआ है, संसद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। भारत में वैसा नहीं है, भारत में बैलेंस बना के चला गया है। भारत में न्यायपालिका को भी बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं दी गई है, संसद को भी नहीं दी गई है, बल्कि बीच का रास्ता अपनाया गया है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में न्यायपालिका को बहुत ज़्यादा अधिकार होता है, वह ज्यूडिशियल रिव्यू करती है। साथ ही शक्ति पृथक्करण के नियम इस पर लागू होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक किचन कैबिनेट होता है, इसमें जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति एक किचन कैबिनेट बना लेते हैं और उसी के माध्यम से वो शासन करते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। शक्ति पृथक्करण नहीं बल्कि शक्ति के सामंजस्य के आधार पर काम किया जाता है संसदीय प्रणाली में। साथ ही साथ अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो कार्यपालिका होता है वो व्यवस्थापिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। विधायिका क्वेश्चन पूछ सकता है कार्यपालिका से। तो इस तरह से इतना अंतर है। अब आप ये जान लीजिए कि जो लोकतंत्र है उसके कितने स्तंभ है, तो उसके चार स्तंभ है। लोकतंत्र के चार स्तंभ है। लोकतंत्र आप समझ गए जनता का शासन होता है, और जनता के शासन बना रहे उसके लिए चार इसमें जो स्तंभ है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्तंभ का मतलब होता है पिलर। ये जो छत आप देख रहे हैं कि छत जो है यह पिलर पर ही खड़ा है, अगर पिलर हटा देंगे यह छत गिर जाएगा। तो डेमोक्रेसी बना रहे उसके लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इसको स्तंभ माना गया है। विधायिका जो होती है वह कानून बनाने का काम करती है। चूंकि कानून कौन बनाएगा?
वह बनाते हैं या तो सांसद बनाते हैं या विधायिका में MLA बनाते हैं। हम दोनों को क्या करते हैं, चुन करके भेजते हैं। जो भी व्यस्क मताधिकार का प्रयोग करते हैं वह या तो सांसद को चुनते हैं या विधायक को चुनते हैं। सांसद जो है वो संसद में जाके कानून बनाएंगे और विधायक जो है विधानसभा में जाके कानून बनाएंगे। सही लोगों को चुनेंगे तो सही कानून बनाते हैं, और जो कानून बन गया वो बन के तैयार है, वह माल तैयार हो गया, अब उस माल को जाकर के क्षेत्र में लेके जाना है, जनता के पास लेके जाना है। उस खिचड़ी को जो पक गया विधायिका के अंदर में, अब उस खिचड़ी को जनता के पास लेके जाना है। वह काम कोई ना कोई बॉडी तो करेगा, तो उसको बोलते हैं कार्यपालिका। यह क्या करती है, कानून का पालन करवाती है, यानी कि यह क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको क्षेत्र में लागू करती है। तो कैसे लागू करेंगे, इसमें मंत्री शामिल रहते हैं कार्यपालिका में। मंत्री अपने अधीनस्थ ऑफिसर्स के द्वारा उसको लागू करते हैं क्षेत्र में। मंत्री अकेले तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए इनके साथ अधीनस्थ ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो करते हैं, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। साथ ही साथ न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका यह देखती है कि जो कानून विधायिका ने बनाया है और जिसको कार्यपालिका ने लागू करवाया है वह ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको सजा देने का काम करती है न्यायपालिका। साथ ही साथ न्यायपालिका और भी महत्वपूर्ण काम करती है, जब आपका मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है तो न्यायपालिका में आप जाते हैं, उससे संरक्षण मांगते हैं, और फिर वह आपके मौलिक अधिकार का रक्षा भी करता है। इस तरह से न्यायपालिका जो है वह विधायिका के जुडिशियल रिव्यू भी करती है। विधायिका ने कानून जो बनाया है वह संविधान सम्मत है कि नहीं है उसको भी देखती है, और जुडिशियल रिव्यू लिया गया है अमेरिका के संविधान से, तो ये तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ वह कार्यपालिका को भी निर्देश देती है कि आप अपना काम ठीक ढंग से करिए, अगर कार्यपालिका अपना काम ठीक ढंग से नहीं करती है तो उसको भी निर्देश देती है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। साथ ही साथ मीडिया, मीडिया क्या करती है, मीडिया विधायिका के कानूनों को भी जनता तक ले जाती है, और अच्छा है तो उसका वह जनता को जागरूक भी करती है, और अगर वह आलोचना के योग्य है, जनता के हित में नहीं है, तो वह जनता को बताती भी है कि देखिए यह कानून आपके हित में नहीं है, तो जनता इससे जागरूक होती है, अवेयर होती है, और सरकार को इससे भय पैदा होता है कि अगला बार हमको जीत के आना है तो हमें ठीक ढंग से काम करना पड़ेगा। तो मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है इस पूरे लोकतंत्र का। मीडिया ठीक से काम नहीं करे तो लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा। लेकिन भारत की जो मीडिया है वह अपना ठीक से काम कर रही है क्या, ये आप हमको बताइएगा कमेंट करके। भारत में जो मीडिया का फ्रीडम वाला जो इंडेक्स बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का, उसमें भारत के मीडिया को बहुत ही घटिया लेवल का कहा गया है कि भारत का जो मीडिया है वह बहुत ही दबाव में काम करती है, स्वतंत्र नहीं है। तो इतना तो आप समझ गए। अब आप समझिए कि सरकार के कितने प्रकार होते हैं। देखिए जो एक केंद्र सरकार होती है वह, और एक राज्य सरकार होती है वह, उसके बीच में जो संबंध होते हैं वह संबंध के आधार पे सरकार के दो प्रकार बनाए गए हैं। वो कौन कौन प्रकार है उसको जरा हम लोग अब समझ लेते हैं। एक होता है संघात्मक सरकार, दूसरा होता है एकात्मक सरकार। तो संघात्मक सरकार क्या है और एकात्मक सरकार क्या है उसको समझिए। सरकार जो है ना वो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के संबंध के आधार पे दो प्रकार की होती है। पूरे वर्ल्ड में इस तरह की व्यवस्था है। जैसे एक है संघीय सरकार जिसको संघात्मक सरकार कहते हैं, दूसरा है एकात्मक सरकार, इसको एकात्मक कहते हैं। क्यों कहते हैं संघात्मक, क्यों कहते हैं एकात्मक, उसको जरा देख लीजिए। देखिए संघीय सरकार में एक केंद्र सरकार होगा जिसको राष्ट्रीय सरकार कहते हैं, तो और दूसरा राज्य सरकार होगा। एक केंद्र सरकार दूसरा राज्य सरकार, जैसे भारत में देखिए एक केंद्र में भी होता है और एक राज्य में भी होता है। प्रशासनिक दृष्टि से, शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से देश को प्रांतीय सरकारों में भी बांट दी जाती है। लेकिन भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु देश भी है, तो सर्वोच्च सत्ता तो केंद्र के पास होता है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था जो है इसमें होगा, सदन में जो है द्विसदनीय व्यवस्था होगा, यानी कि एक लोकसभा भी होगा एक राज्यसभा भी होगा। लेकिन एकात्मक सरकार में कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ द्विसदनीय व्यवस्था होगी। साथ ही साथ वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नहीं होती है, बल्कि पूरा का पूरा केंद्र सरकार ही होती है। सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, जैसे चीन में देखिएगा तो वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नहीं होती है।
उसी तरह से ब्रिटेन में भी, उसी तरह से फ्रांस में भी, जापान में भी, इटली में भी एकात्मक सरकार की व्यवस्था है। वहाँ दो सरकारें नहीं है, केंद्र में अलग नहीं है, राज्यों में अलग नहीं है, भारत में है, साथ ही साथ कनाडा में है, अमेरिका में है। उसी तरह से आप देखेंगे कि रूस में है, ब्राज़ील में है, वहाँ पे डबल सरकार होती है, एक केंद्र में एक राज्य में। साथ ही साथ इसमें होता क्या क्या है विशेषता उसको भी समझ लीजिए। इसमें शक्ति का विभाजन होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में। इसमें एक शक्ति का विभाजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता का विभाजन नहीं हो सकता व्यवस्था में। साथ ही साथ इसमें दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र में एक राज्य में। अब एकात्मक सरकार में दोहरी शासन व्यवस्था हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। साथ ही साथ लिखित संविधान होता है, फेडरल में, संघीय में हर हाल में लिखित संविधान होगा जैसे भारत में है, लेकिन एकात्मक सरकार में लिखित संविधान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है लेकिन फ्रांस के पास है, तो इसी तरह से है। संविधान की सर्वोच्चता, संघात्मक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च होगा, जैसे भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, लेकिन एकात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में वहाँ पे सर्वोच्च सत्ता संसद को माना गया है, संविधान को नहीं माना गया है, लेकिन फ्रांस में देख लीजिए तो वहाँ पे संविधान को सर्वोच्च माना गया है। उसी तरह से कठोर संविधान होता है, कहाँ पे, संघीय सरकार में, यूएसए में बड़ा कठोर संविधान है, उसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एकात्मक सरकार में ये कठोर संविधान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, कहाँ पे, संघीय सरकार में, और एकात्मक सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ब्रिटेन में तो सबसे ज़्यादा शक्ति संसद को मिला हुआ है, वहाँ पे न्यायपालिका को बहुत ही कम शक्ति मिला हुआ है, तो इस तरह से अंतर है। अब भारत देख लीजिए किस तरह की व्यवस्था में आता है, तो भारत जो है ना वह 80% जो है संघीय व्यवस्था है, लेकिन कुछ मामलों में एकात्मक व्यवस्था में भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपातकाल जब लागू होता है तो सारा अधिकार केंद्र के पास चला जाता है, राज्य के पास अधिकार होता नहीं है। तो इस तरह से भारत जो है वह जनरल पोजीशन में तो संघीय व्यवस्था में होता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में वह एकात्मक व्यवस्था में आ जाता है। साथ ही साथ भारत में, भारत के जो संविधान है वह क्या कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो है ना वह राज्यों का संघ होगा, और भारत के जो फेडरल है वो संघ की जो अवधारणा है वो कनाडा से लिया गया है, कनाडा वाला जो सिस्टम है उसको हमने लिया है, यूएसए वाला सिस्टम हमने नहीं लिया है। यूएसए में क्या है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार है, लेकिन कनाडा में जो है वह राज्यों का अधिकार, अलग होने का अधिकार नहीं है, तो भारत में भी राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से कनाडा के संविधान का जो फेडरल सिस्टम है वो भारत में भी अपनाया गया है। तो इस तरह से आई होप कि इस चीज़ को आप समझे होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।